हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आवर्स चैनल। आज हमारे पास एक बाइक का बैटरी है, उसको हम लोग काट के देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। चलिए काटना शुरू करते हैं। ये एक नॉर्मल बाइक का बैटरी है, अब स्टार्ट करते हैं काटना। हमारे पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, जिस कारण से उसे काटें हमें नॉर्मल एक आई से ही काटने वाले हैं। आड़ी ब्लेड होता है, उसी से काटने वाले हैं। इसको काटने में बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूंगा। हमने इसे अभी तक पूरी तरह से काट लिया चारों तरफ से, अब इसको खोलने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से खुल गया है। अब ऊपर का भाग है, इसमें लगभग 6 सेल है और 6 लगभग 1 सेल का वोल्ट, शायद 2-2 वोल्ट होगा, इसलिए इसमें 6 सेल दिया हुआ है। और इसमें से कुछ मतलब कि शायद इसका कंपोनेंट्स भी निकला है इसमें से, जो सेल को अटैच करने में मदद करते रहता है। ये हम लोग पहला सेल निकाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक पेपर होता है, जिंक प्लेट होता है, कॉपर प्लेट होता है। तीनों को एक ऐसे सीरीज में सजाया जाता है जिससे एक सेल से दूसरे सेल में इसको कनेक्ट कर सकें। अपने बैटरी को पूरी तरह से खोल लिए हैं, इसमें से सारे सेल्स को निकाल लिए हैं। जो वाइट वाइट इसमें है वो पेपर है, और जो ग्रे कलर का है वो जिंक है, और कार्बन भी इसमें है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये पूरा गीला है और इसको आप घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये डिस्चार्ज बैटरी था जिस कारण से इसमें कुछ नहीं हुआ, अगर ये चार्ज होता तो कुछ खतरा हो सकता था, इसीलिए आप इसे ट्राई करने की गलती मत कीजिएगा। ये रहा कार्बन, कार्बन को हम निकाल दिए हैं, और जो सेल जिंक का प्लेट है उसको भी निकाल दिए हैं। ये कागज़ था, कागज़ को भी निकाल चुके हैं। और ऐसे ही ये वीडियो देखिए, और आगे भी बहुत सारे सेल्स को भी तोड़ेंगे अभी हम लोग। बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस बैटरी में यही होता है, एक होता है कैथोड, एक एनोड है जो प्लस माइनस चार्ज होता है, और दूसरा जो होता है इसमें ढेर सारे मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, और वही सेल्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होते हैं।